गाइस, आजकल के एम्प्लॉइज सिर्फ सैलरी इंक्रीमेंट और प्रमोशन के चक्कर में एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच करने में जरा भी देर नहीं लगाते। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे एम्प्लॉय की हिस्ट्री बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। वो बंदा पिछले 84 सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहा है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दक्षिणी ब्राजील के बोस्क्यू शहर में रहने वाले वोल्टर ओर्थमैन पिछले 84 सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। दरअसल वोल्टर ने 84 साल पहले फैब्रिक बनाने वाली एक कंपनी रेनॉक्स व्यू में फैक्ट्री फ्लोर पर काम करने से शुरुआत की थी और अपनी मेहनत और लगन से वो समय के साथ एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए और अब वो 100 साल की उम्र में कंपनी के सेल्स मैनेजर हैं। यही नहीं, सबसे लंबे समय तक एक ही कंपनी में काम करने के चलते उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कर दिया गया है। गाइस, इसे कहते हैं अपने काम और कंपनी के प्रति निष्ठा और समर्पण। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। गौतम अडानी की नेटवर्थ अब करीबन 125 बिलियन डॉलर्स हो चुकी है जो कि बिल गेट्स की नेटवर्थ के बराबर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अडानी जी अचानक से इतने अमीर कैसे हो गए। दरअसल अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयर्स शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं जिनका मार्केट कैप 200 बिलियन डॉलर्स है और गौतम अडानी का इन कंपनियों में 58% से भी ज्यादा का स्टेक है। यही नहीं, उन्होंने 3 ग्रीन एनर्जी कंपनियों में करीबन 15,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी किए हुए हैं जिससे अडानी ग्रुप का स्टॉक करीबन 30% से बढ़ गया। वहीं उनकी दूसरी कंपनियों के स्टॉक्स भी पिछले 1.5 साल से 100 से 200% तक ऊपर चल रहे हैं और इसी वजह से अडानी की नेटवर्थ भी काफी ज्यादा ऊपर चली गई है और आज वो गूगल के फाउंडर और वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। बहरहाल लग तो यही रहा है कि अडानी जी आने वाले वक्त में इस पोजीशन से भी ऊपर जा सकते हैं, शायद वो नंबर 1 पे आ जाएं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।